दिन इतनी शांति अभी तक यहाँ पर नहीं होती, पथराव होता और आपने आज तक देखा भी। चाहे पश्चिम बंगाल के हाल आप देख सकते हैं, आपके पास जीता जाता उदाहरण है किस तरीके से अभी बांग्लादेश में सिचुएशन अकर हुई है। मेरा सीधा सा कहना है कि हम क्या गलत कह रहे हैं, हम अपनी जो भूमि जो इन्होंने कब्जा कर ली है उस चीज की हम डिमांड रख रहे हैं, और पुलिस प्रशासन हमारे साथ किस तरीके से रवैया अपना रही आप देख सकते हैं, चाहे वो महिलाएं। देखिए मैं ज्यादा कुछ कहने नहीं चाहूंगी, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि प्रशासन इस वक्त सो रहा है, सुकू सरकार सो रही है। सुकू देख सकते हैं यहाँ से वाटर कैनन के प्रयोग के लिए अब पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। अब वाटर कैनन यहाँ से भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए पूरी तरह से तैयार अब पुलिस के जवान लग रहे हैं, ये जो बिल्कुल वाटर कैनन, ये देखिए वाटर कैनन, ये देख सकते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया है, और ये शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से, ये देख सकते हैं आप। तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन करते करते आगे बढ़ रही हैं, और पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगा रखी थी उसको तक तोड़ दिया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां करना पड़ा है। लोग अपना छाता खोलकर यहां खड़े हो गए हैं, छतरी खोलकर यहां लोग खड़े हो गए हैं प्रदर्शनकारी जो हैं। उनका ये कहना है कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक इस मस्जिद को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और पूरा मामला जब पहले ही शुरू हुआ, इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल भी रही है, 5 अक्टूबर को इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले जो प्रदर्शनकारी हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है कि यहाँ से इस मस्जिद को हटा दिया जाए, 5 मंजिला मस्जिद कैसे बना दी गई बिना मंजूरी के, इस बात को लेकर इस बात का आक्रोश यहाँ दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर, और उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हटा दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का भी इस पर बयान आया है, 5 सितंबर को विभिन्न संगठनों के साथ स्थानीय लोग भी सड़क पर आ गए थे, इससे पहले मांग थी कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी प्रदर्शन स्थल पर गए थे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर एक पोस्ट भी डाला था। हिमाचल में कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की बातें वो कहते नजर आए थे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि संजौली में मस्जिद के पास 31 अगस्त की शाम को समुदाय विशेष के लोगों ने स्थानीय व्यक्ति के साथ मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। मारपीट के बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा और अब हिंदू संगठन और कई स्थानीय लोग इस मस्जिद को गिराने की मांग पर अड़ गए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये संजौली की ही तस्वीर है, और लगातार गुस्सा फूट रहा है यहाँ पर लोगों का। उनका ये कहना है कि जब तक इस मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा, हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन लोग यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए हैं, मानो छतरी लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं प्रदर्शनकारी, और वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, एक कदम भी पीछे हटाने को तैयार नहीं है। इसी टनल के रास्ते से होकर जब आगे बढ़ते हैं तो वो मस्जिद पड़ता है, और उस मस्जिद को तोड़ने की जो मांग है वो लगातार की जा रही है हिंदू संगठन की तरफ से। शिमला में इस वक्त माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप ले लिया है और आक्रोशित है, वो प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे बैरिकेडिंग हो या कुछ भी, सब कुछ तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन पुलिस की फोर्स लगातार यहाँ पर मौजूद है, हालांकि लाठी चार्ज तक पुलिस को करना पड़ा है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, बावजूद इसके कोई भी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर पड़ रहा है लोगों के आगे ये धक्का मुक्की, दीपक दीपक
दीपक सीधी तस्वीरें, दीपक सीधी तस्वीरें आप जस्मीन यहाँ पर देखें। और ये दोबारा से लाठी चार्ज की स्थिति बनती हुई, जस्मीन दोबारा से लाठी चार्ज। दोबारा से बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से तो लगातार जो है वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। ये पूरा मामला 31 अगस्त से शुरू हुआ जब विशेष समुदाय के लोगों की आपस में मारपीट हुई, एक स्थानीय व्यक्ति के साथ में मारपीट हुई। शिकायत के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। मारपीट के बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा और अब तक जो है मांग उठ रही है मस्जिद को गिराने की।